ओम शांति। आपका प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुग में या त्रेता में जाते हैं, क्या अंतर है? क्या पुरुषार्थ करते हैं जो सतयुग में जाते हैं और क्या पुरुषार्थ करते हैं जो त्रेता में जाते हैं? पहला शब्द है पुरुषार्थ। दुनिया वाले पुरुषार्थ का अर्थ अच्छी तरह नहीं समझ सकते जितना अच्छा परमपिता परमात्मा ने समझाया है। पुरुषार्थ अर्थात आत्मा समझ इस रथ से कर्म करना, आत्मा समझ इस रथ से कर्म करना, इसे कहा जाता है पुरुषार्थ। जहां ध्येय समझ कर कर्म किया तो पुरुषार्थ नहीं है। पहली बात, बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझा देना है। और यह सिखाने वाला कौन है? ये स्मृति में रहेगा तभी पुरुषार्थ होगा। ये सिखाने वाला है परम पिता परम आत्मा। परम पिता परम आत्मा आकर हमें ये सिखाते हैं कि पुरुष बन रथ से कर्म करो। उसके साथ परमपिता परमात्मा कहते निरंतर लगातार, एक बार भी देह समझकर कर्म ना करना पड़े। एक संकल्प, एक श्वास, एक सेकेंड, पुरुषार्थ में रुकावट नहीं है, तब है निरंतर। यह है पुरुषार्थ, क्योंकि आत्मा समझकर परमात्म डायरेक्शन पर किया गया हर कर्म मुझे सतयुग के आदि की तरफ चढ़ती कला में ले जा रहा है। जितना उसमें श्वास संकल्प या सेकेंड देह भान का प्रभाव पड़ने से पुरुषार्थ में रुकावट आ रही है, तो मैं सतयुग की तरफ चढ़ने से रुक रहा। या स्वर्ग में आने के लिए सतयुग या त्रेता में आने के लिए पुरुषार्थ कब करना पड़ता है, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने समझाया कि सबसे नीचे जब तमो प्रधान आप अवस्था में आ जाते हैं, पतित हो जाते हैं, तो मैं आकर पावन बनाने की विधि सिखाता हूं और सारे संसार की आत्माओं को एक साथ सिखाता हूं। अब कौन कितना अटेंशन देकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं, जिसे बाबा ने शब्द दिया कि मैं आकर सारे संसार की गिरती कला को चढ़ती कला की तरफ अपलिफ्ट करता।
परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को अपलिफ्ट करते हैं, चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। अब कौन कितना परमात्मा की श्रीमत पर चढ़ता है, रूहानी ज्ञान और राज योग, याद की यात्रा, याद की यात्रा द्वारा सदगति या जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। कितने मार्क्स लेता है, पूरे 100 मार्क्स लेगा, 16 कला संपूर्ण बनेगा, तब तो वो सतयुग में, स्वर्ग में, वैकुंठ में आएगा। और उसने लिए कम उतना लेट, उतना लेट और उतना कम पद। अब उसने 99 लिए हैं, 98 लिए हैं, 97 लिए हैं, ठीक है नहीं, तो 1250 साल में 25 डिग्री, 25 अंक 1250 साल, मतलब बहुत अच्छी तरह से समझना है, हम 1250 को 25 से डिवाइड करें तो हमारे पास सीधा आता है 50। 50 को 50 से गुणा करें तो 1250 वर्ष आता है, क्योंकि सतयुग की आयु है 1250 वर्ष, और सतयुग में 25 जो डिग्री है वो कम हो जाता है। 1250 साल में 75 से जिनके ज्यादा नंबर थे 100 तक, वो सारी आत्माएं आ जाती। तो इसका मतलब है कि 50 वर्ष जिसका एक नंबर कम, वो 25 वर्ष स्वर्ग में लेट आएगा। जिसके 2 नंबर कम, वो 50 वर्ष लेट आएगा। इस प्रकार से आप समझ सकेंगे कि 25 से हम इसको भाग करते हैं तो 50 वर्ष, मतलब एक नंबर कम होने का मतलब है कि वो आत्मा 50 वर्ष लेट आएगी। दो नंबर कम है तो 100 साल लेट आएगी, 4 नंबर कम है तो 200 साल लेट आएगी। जितने नंबर उसके कम होंगे वो उतना लेट आएगी। 1250 साल में 25 नंबर नीचे आएगी। मेरिट बन गई है। अब त्रेता में वो आत्माएं आएंगी जो 75 से 50 तक अंक लेंगी। फॉर्मूला वही चलेगा कि एक नंबर 50 वर्ष, जितने नंबर कम उतने 50 वर्ष लेट होते जाएंगे। इस प्रकार से जो जितना लेट आएगा उतना कम पवित्र आत्मा थी, उतना कम पवित्र दुनिया को भोगने में आएगा। अब वर्तमान समय से आप अपने आप को खुद समझ सकते हैं कि मैंने अपने आप को कितने मार्क्स के लायक बनाया है, कितने नंबर लेने के लायक बनाया है।
कितना समय मैं वेस्ट करता हूं, कितना समय मैं बेस्ट करता हूं, ये हर एक आत्मा ने खुद निर्णय करना है। और उस निर्णय के साथ प्राप्ति भी ऑटोमेटिक मिलेगी। मैं समझता हूं स्पष्ट हुआ होगा कि हमें कितना पुरुषार्थ करना है कि हम सतयुग में आए। यदि पुरुषार्थ में कमी रह गई तो हम त्रेता में आएंगे। और अच्छी तरह से समझना है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।